ध्यान देगा काफी ज्यादा अच्छा बैकफायर आता हुआ एंड ईटीजी ब्रॉलर्स गेट्स एलिमिनेटेड आउट ऑफ द गेम. दैट वाज ऑसम फ्रॉम जेड. और यहां पे ऊपर जो फाइट चल रही थी फनाटिक की, सिर्फ एक बंदा निकल पाता है. पारितोष यहां पे नॉक हो जाते हैं. गायरो गॉट गेट फिनिश एंड ओवेस इज द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू गेट इन द जोन बट ओवेस को डैमेज पर सकती है 8 बिट से. उसके सामने आई 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 की फुल टीम स्लैम करती है एंड उसे खत्म करती है. आईएनडी वाज लुकिंग फॉर अ स्पॉट इन द जोन बट गलती से दोनों का डिसीजन एक ही जगह पे आ जाता है एंड इवेंचुअली ओवेस पेज द प्राइस फॉर दैट. जोन से जेड द डूड बच जाते हैं. आई थिंक जेड के सिर्फ दो बंदे आ पाए, सिर्फ एक बंदा आ पाया, दैट्स पांसिंग एस एंड सूर्या. एंड यहां पे स्लेयर गोज हेवायर ऑन सोनिक. यहां पे टीम आईएनडी काफी ज्यादा अच्छा पोजीशन में, क्योंकि उनके चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा है. क्लच गॉड इज एक्चुअली प्रोन डियर एंड जोन डैमेज लेकर के 7 सीज भी एलिमिनेट हो चुकी है. पांसिंग अपने पोस्ट टावर के अंदर बैठे हैं एंड अक्षय आई थिंक उनके ठीक सामने ही है. एक बहुत ज्यादा अच्छा ग्रेनेड आया टीम आईएनडी की तरफ से. विल इट कनेक्ट? विल इट कनेक्ट? आई थिंक इट डिड. सोनिक इज 1 एचपी लेफ्ट एंड 8 बट अक्षय टेक्स डाउन सूर्या. टीम आईएनडी क्रिएटर्स का काफी ज्यादा अच्छा MK14 टैप टैप आया है एंड ही एक्चुअली मैनेजेस टू टेक डाउन वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम 8 बट एज वेल. अक्षय इज द लोन मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम. टीम आईएनडी वांट्स टू पुश दिस वन क्योंकि यहां पर इनको पता है कि काफी ज्यादा कम प्लेयर्स अलाइव हैं. इट्स अ 4v2 सिचुएशन. अक्षय अकेले बंदे बचे अपनी टीम के लिए एंड अक्षय गेट्स वाइप्ड आउट एज वेल. पान सिंह अकेले बंदे बचे अपनी टीम के लिए व्हिच हु इज होल्डिंग अप द फ्लैग फ्रॉम ZED. एब्सोल्युटली एंड आईएनडी शोस कि या एग्रेसिव होने से भी होता है. एग्रेसिव फैशन के यहां पे जानते सिर्फ एक ही बंदा है पान सिंह. क्या भी कर पाएगा बट वी नो दिस गाय इज ओपी. ही कैन टेक डाउन वन और टू और मे बी द होल स्क्वाड बट वी हैव टू सी वो कैसे करते हैं. स्नैच्स द वन हु गोस मेड सील्स द गेम. Not today, and it seals the game for IND. You know, हम लोग बात कर रहे थे टीम IND का. They played spectacularly well क्योंकि उनके पास पता था कि यार जोन है टीम IND का एक ड्रॉप जो है मिलिट्री बेस में वो काफी ज्यादा फेवरेबल हुआ है इस मैच के लिए डेफिनेटली.